हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन्वर्टर को बाईपास कैसे करें, या इन्वर्टर सेटअप को कैसे हटाएं, या फिर इन्वर्टर को हटाने के बाद घर का संपूर्ण लाइन कैसे जो है कि एक्टिव करें, कैसे चालू करें। इन्वर्टर हटा रहे हैं तो सारे लाइन को एक्टिव कैसे किया जाए, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इन्वर्टर सेटअप जब भी लगा होता है तो वहां आप देखेंगे कि इन्वर्टर इस तरीके से बोर्ड में जो है कि प्लग किया होता है और पीछे इन्वर्टर में ये ग्रीन वायर लगाया गया होता है। तो इसको जो है कि बाईपास कैसे किया जाए अगर आप इन्वर्टर किसी कारणवश हटा रहे हैं, या इन्वर्टर बैटरी सेटअप हटा रहे हैं, या इन्वर्टर बैटरी सेटअप को हटाना है, या आपके किसी कारणवश आपका इन्वर्टर और बैटरी में कोई दिक्कत परेशानी आ चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसे आप कैसे हटाएं और लाइन को, घर के लाइन को बाईपास कैसे करें, यानी बिना इन्वर्टर के घर के संपूर्ण लाइन को कैसे चालू करें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो 5 पिन है, और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा दाहिने साइड यहाँ जो है कि फेज होता है और यहाँ हमेशा जो है कि बाएँ साइड न्यूट्रल होता है। तो यहाँ मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कि इसमें कैप लॉक है और जो है कि यहीं हमारा जो है कि इन्वर्टर का मेन 5 पिन जो है कि कनेक्ट किया गया था। और उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो पीछे इन्वर्टर में राइट साइड एक ग्रीन वायर लगा होता है, इसको क्या करना है कि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पास से, इसमें क्या करना है कि आपको ध्यान देना है, इसमें जो है कि आपको लेफ्ट साइड ना लगाना है, राइट साइड लगाना है। उसको हम इसका कैप ओपन करेंगे और कैप हमारा ओपन हो चुका है। कैप ओपन करने के बाद इसको हमें राइट साइड लगा देना है। तो अगर आपके वायर में प्लग लगा हुआ है तो ठीक है, अगर प्लग नहीं लगा हुआ है तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसको जो है कि राइट साइड में लगाने के बाद इस बटन को एक्टिव कर देना है। तो आपके घर का जो भी सामग्री इन्वर्टर से चल रहा था, यानी जो भी प्रोडक्ट या जो भी स्विच बटन बोर्ड इन्वर्टर से था, वो सब कुछ लाइन से हो चुका है। तो इस विधि से आप जो है कि बहुत ही आसानी से इन्वर्टर को बाईपास कर सकते हैं। और बड़े बड़े इन्वर्टरों में तो बाईपास का बटन भी दिया हुआ होता है, तो वहाँ से भी आप जो है कि बाईपास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी कारणवश सेटअप को ही हटाना पड़ा तो इस तरीके से आप बाईपास कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बाईपास कर सकते हैं। और यहां मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा वायर जो है कि खुला हुआ था, तो वायर जो है कि खुला हुआ होने के कारण इसको ध्यान देना है कि इसको राइट साइड में ही लगाना है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप में प्लग लगा हुआ है तो प्लग में बहुत ही आसानी होती है, प्लग को आप इन्वर्टर के पीछे से बंद करके, इन्वर्टर को पीछे से निकाल के इस वाले प्लग में डाल के आपको एक्टिव कर देना है। अगर आप इस तरीके से एक्टिव कर दे रहे हैं तो आपके घर का संपूर्ण लाइन, यानी संपूर्ण चीज़ जो इन्वर्टर से चल रहा है वो, और जो आपका लाइन है, सब कुछ लाइन में परिवर्तन हो जाएगा। आपका सब कुछ लाइन से चलने लगेगा, आपका इन्वर्टर का सेटअप जो है कि हट जाएगा। आप इन्वर्टर को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, हटा सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि लाइन का ये काम है, तो बिल्कुल बिजली का काम करते वक्त बिजली आप कट करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और आप हमेशा ध्यान से ही इस काम को करें और इस वायर को हमेशा दाहिने साइड ही लगाएं। ये फेज वायर होता है, फेज में लगाने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।